सीतापुर में टुकड़ों में मिली महिला की लाश का खुला राज, हत्यारे शरीर की हड्डियों को लेकर हुए थे फरार, हुए गिरफ्तार। दिल्ली में 35 टुकड़े करने वाली वारदात की जांच की आंच अभी थम नहीं पाई कि सीतापुर में भी बीते दिनों इसी तरह की घटना ने दिल को दहला दिया। बीते दिनों महिला की लाश के कई टुकड़े मिले थे। इस अनसुलझी गुत्थी को सीतापुर पुलिस ने सुलझाने के लिए स्वाट टीम, विशेष टीम और अन्य शाखाओं को लगाया था। बताते हैं कि जिस महिला की लाश मिली उसके ही पति नहीं अपने साथियों के साथ मिलकर पत्नी के अनगिनत टुकड़े कर डाले। शव को छुपाने की कोशिश में शरीर की हड्डियां ही अपने साथ ले गए, जिन्हें पुलिस ने फिलहाल बरामद कर लिया है। आला कत्ल भी बरामद हो गया है। इसको लेकर एसपी सीतापुर घुले सुशील चंद्र भान बताते हैं कि रामपुर कला इलाके के रौना गांव में ज्योति उर्फ स्नेहा कुछ समय पहले बीमार हो गई थी। इसको लेकर उसी के पति पंकज ने पड़ोस से कहीं जाकर एक दवा दिला दी। उस दवाओं की ऐसी आदत पड़ी कि महिला और पति के बीच अनबन होने लगी और ये अनबन ने कुछ समय बाद झगड़े का रूप ले लिया और झगड़ा इतना बढ़ा कि कई बार वो महिला अपने घर से भी चली गई। इसी को लेकर पंकज ने एक खौफनाक योजना बनाई जिसमें अपने एक दोस्त दुर्जन को शामिल किया, फिर मौका निकालकर अपनी ही पत्नी ज्योति को गाड़ी पर बैठाकर, जो उसकी मोटरसाइकिल थी उस पर बैठाकर सुनसान स्थान पर ले गया। और जब तक महिला को समझ पाती ऐसे में अनगिनत वार उसके शरीर पर किए और फिर टुकड़ों में उसको बांट दिया। इसी के बाद वे लोग फरार हो गए। फिलहाल इस हत्या का खुलासा तो हो गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल छूट रहा है, वो कि समाज किस संस्कृति की ओर जा रहा है। इस पर चिंतन, मनन और अध्ययन किए जाने की जरूरत है। ये घटना काफ़ी चैलेंजिंग थी पुलिस के लिए, क्योंकि सबसे पहली बड़ी बात इसमें यह थी कि महिला की पहचान होना संभव नहीं था उस समय पे, और उसमें जो मौके पे साक्ष्य मिले थे या जो शरीर के अंग मिले थे उन सबको प्रॉपरली हम लोगों ने कुछ वैज्ञानिक तरीकों का मदद लेते हुए उसका फेस रिकंस्ट्रक्ट किया था, और रिकंस्ट्रक्ट करते हुए फिर उस जो चेहरा बना था उसके आधार पर आजू बाजू के जो 10 से 15 किलोमीटर के सभी गांव हैं और आजू बाजू के ज़िले भी हैं वहाँ पर उस फोटो के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया। तो इसी में आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में आज इसका खुलासा किया जा रहा है। इस पूरे घटना में उस महिला की हत्या करने में उसका पति ही मेन अभियुक्त है, और उसने उसके दो साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। उसने इस घटना के पीछे अंजाम देने के बारे में उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा ये बताया कि लगभग 8 से 10 सालों से उसकी पत्नी को कुछ दवाइयाँ खाने की आदत लग गई थी, और वो दवाइयाँ इलाज के बजाय वो एक नशा समझ के उसको खाती थी। उसको खाने के बाद में उसको अच्छा लगता था और वो बार बार वो दवाइयाँ खाती थी, और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन से वो उनके आदतन उसकी आदि हो गई थी। और ये बात उस महिला के बहनों द्वारा और बच्चों द्वारा भी बताई कि ये बात सही है, और उस दवाई को लेने के लिए या उसके लिए वो कई बार उसको खाने के बाद में 8-8, 10-10 दिन घर से निकल जाती थी, किसी के साथ में रहती थी। इस बात को लेकर के पति को आपत्ति रहती थी और उसी बात को लेकर के उनमें अनबन झगड़ा होता रहता था। तो इसी के क्रम में कुछ दिनों पहले ये महिला घर से निकली थी और उसी के जो पति है उसके दोस्त के एक लड़की के यहाँ पर वो जा कर के रह रही थी। पति काफ़ी दिनों से इस बात से परेशान था, और उस बात को सोचते हुए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि अब की बार में उसको मार डालूंगा। और इसको देखते हुए उसने उसके 3-2 और साथियों के साथ मिलकर महिला को एक जगह लेकर जाके उसकी हत्या की, और उसका शव छुपाने के उद्देश्य से उसके अलग अलग पार्ट बना करके वहाँ पर खेत में फेंक दिए। काफ़ी चैलेंजिंग घटना होने के बाद पुलिस ने इसको बहुत कम समय में ट्रेस आउट करते हुए वर्कआउट किया है। इसमें दो अभियुक्त जो पति है और उसका जो एक मुख्य साथी दुर्जन, दोनों लोगों को अरेस्ट किया है,
एक साथी उनका भी अभी शेष गिरफ्तारी के लिए शेष है, उसकी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। इस घटना के संबंध में जो आला कत्ल है और घटना के क्रम में जो कपड़े हैं या अन्य चीज़ें हैं जो सबूत के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है, उन सभी चीज़ों को पुलिस ने इकट्ठा किया है और दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। चैलेंजिंग घटना थी आपने कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार इंडिया लाइव।